क्या आपको लैंगिक समस्या, नपुंसकत्व या शीघ्र पतन, ये प्रॉब्लम्स है, तो आपको मैं इसके बारे में आज बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकास सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफी सारे लोगों को सेक्स की प्रॉब्लम है, लैंगिक समस्या है, जिसमें नपुंसकत्व मतलब लिंग में कठोरता नहीं आना, शीघ्र पतन मतलब प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जल्दी वीर्य गिर जाना, फिर बार बार मास्टरबेशन की हैबिट लग जाना, ऑब्सेशन अबाउट मास्टरबेशन, ऑब्सेशन है उसके बारे में, फिर लिंग में कठोरता नहीं आना, उसके साथ साथ फिर लिंग में कमजोरी भी आना और जल्दी वीर्य गिर जाना, ये दोनों साथ में होना, रात में सपने में वीर्य निकल जाना, या पेशाब के समय वीर्य निकलना, या लैट्रिन के समय वीर्य बाहर आ जाना, या बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना, काम में मन नहीं लगना, उसके वजह से उदासीनता है, पति पत्नी की रिश्तों में उससे दरार आई हुई है या कमजोरी आई हुई है या समस्या आई हुई है, बेड में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, जो नौजवान युवक है उनको आपसी रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम आ चुका है इसके बारे में, इसके वजह से, और वो जूझ रहे हैं इसके प्रॉब्लम से और कहीं बाहर बता नहीं सकते हैं। आज ऐसा हो गया है कि सभी लोगों को ज्ञान जो है वो अलग 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 सोशल मीडिया से मिल रहा है, जिसमें कुछ अच्छा भी मिल रहा है, बुरा भी मिल रहा है, साइंटिफिक नॉलेज लोगों को मिलता नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि उनको उनका लिंग छोटा है, लिंग का आकार जो है वो छोटा है, या मास्टरबेशन की हैबिट है, या बहुत कमजोरी हो चुकी है, या उनको होमोसेक्सुअल अट्रैक्शन है, मतलब समलिंगी आ सकती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए वो आते रहते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं। तो ये इसके लिए क्या है कि बेसिकली जो यंग उम्र में मतलब नौजवान लोगों को बिलो 35 35 साल के नीचे के लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है, तो ज़्यादातर 90% यह प्रॉब्लम जो है वो साइकोलॉजिकल हो सकता है। 35 के ऊपर, 35 साल के ऊपर या 40 साल के ऊपर यदि ये प्रॉब्लम आते हैं तो पहले देखना पड़ता है कि उसमें कुछ बदन की शरीर की प्रॉब्लम है क्या, फिजिकल प्रॉब्लम कुछ है क्या, कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम है क्या, वो देखना पड़ता है और वो तपास के उसका इलाज फिर करना पड़ेगा। तो हमको दो तरह के हैं कि भाई एक तो शारीरिक कमजोरी है या कोई हॉर्मोन्स की कमी हुई है उसके वजह से लैंगिक प्रॉब्लम है, या फिर प्योरली साइकोलॉजिकल है। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जो है शीघ्र पतन तो प्योरली साइकोलॉजिकल है, उसमें तो कोई कारण ऐसा शारीरिक दिखता ही नहीं है और होता ही नहीं है। ये सभी प्रॉब्लम का इलाज जो है वो दवाइयों से हो सकता है, नई दवाइयाँ आ चुकी है, जैसे कि सिल्डेनाफिल है, टाडालाफिल है, तो ऐसी काफ़ी सारी जो दवाइयाँ हैं, वर्दनाफिल है, तो इससे इलाज हो सकता है। यदि वो साइकोलॉजिकल है तो काउंसिलिंग, मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक, सम्मोहन उपचार, ये अलग अलग जो साइकोथेरेपीज है या सम्मोहन उपचार है उसके इसका इलाज हो सकता है। इसका इलाज काउंसलिंग यदि करते हैं तो लोग अच्छा हो जाएंगे, अच्छा जीवन अपना जी सकेंगे। हमको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए और अपना अपना इलाज कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारे यहाँ सुविधा है, ऑफलाइन सुविधा है, हमारे हॉस्पिटल में आके लोग उनका इलाज कर लेते हैं। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल करके आप आपका इलाज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।